म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको वेल्थ बनाना है तो कुछ ही कैटेगरी आपको इसमें मदद कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी होता है स्मॉल कैप कैटेगरी, जहाँ पर कि सबसे तेज़ी से वेल्थ बनता है। दूसरा कैटेगरी आता है मिड कैप कैटेगरी, जहाँ पर भी बहुत तेज़ी से वेल्थ बनता है। और तीसरा कैटेगरी आता है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी, जहाँ पर कि मिड स्मॉल लार्ज कैप फंड मैनेजर अपनी सुविधा के अनुसार से उस फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा वेल्थ बनाते हैं। उसके बाद आता है मल्टी कैप कैटेगरी, जहाँ पर कि 25% 25% 25% जो होता है मिड कैप लार्ज कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। रेस्ट जो 25% है वह किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर खुद ही जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर भी अच्छा खासा वेल्थ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है लार्ज कैप कैटेगरी, जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाता है। और इसके लिए बहुत सारे कैटेगरी बनाए गए म्यूचुअल फंड में, लेकिन अगर आपको वेल्थ बनाना है, सही मायने में वेल्थ बनाना है, लंबे समय में वेल्थ बनाना है और इन्फ्लेशन को बीट करना है और अपने गोल को पूरा करना है, तो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी और फ्लैक्सी कैप कैटेगरी, यही तीन चार कैटेगरी में आपको रहना होगा। लार्ज कैप कैटेगरी ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी में भी आपको लार्ज कैप फंड देखने में मिल सकता है, मिड कैप कैटेगरी में देखने मिल सकता है, फ्लैक्सी कैप टैक्स प्लानिंग में मिल सकता है। हाँ, अगर आप टैक्स प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर म्यूचुअल फंड को आप जरूर देखिएगा। आगे हम लोग डिस्क्रिप्शन आगे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे इस वीडियो में। तो आज शुरू करेंगे 10 ऐसे म्यूचुअल फंड कौन से हैं जो कि आपके लिए बेहतरीन, आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। दसों का दसों नहीं लेना है, कैटेगरी बताया जा रहा है उसमें से एक दो जरूर सेलेक्ट कीजिएगा आप। शुरुआत करेंगे हम लोग, सबसे पहला जो कैटेगरी है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी की ओर शुरुआत करेंगे। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में अगर देखेंगे तो सबसे इसमें तीन फंड लिया गया है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, दूसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, तीसरा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी स्कीम। तीन फंड को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। आइए देखते हैं इन तीनों का रिटर्न किस तरह से रहा है पिछले आने वाले कई सालों से। तो सबसे पहला जो मिड कैप कैटेगरी में है मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है पिछले कई सालों से। अगर आप उसमें देखेंगे, अगर आप इन्वेस्टेड है, पुराने निवेशक हैं, तो आप ज़रूर उसमें जान सकते हैं। खास करके इसका हम लोग परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो देखिए लगातार साल दर साल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप 7 से 10 सालों के रिटर्न देखेंगे, 30% का रिटर्न निकल करके आ रहा है अगर इसमें आप कंटिन्यू इन्वेस्टेड है। पिछले 3 सालों की बात की जाए, मार्केट अच्छा चला, 38% का रिटर्न निकाल करके दिए। आशा रखिए आगे आने वाले समय में 15% जो कि हम लोग आशा रखते हैं वहाँ से ज़्यादा ही रिटर्न निकाल करके यह फंड देगा। अगर आप इस तरह के फंड में इन्वेस्टेड करते हैं, ज़्यादा एडवेंचर न करते हुए, ज़्यादा रिटर्न के लालच में न पड़ते हुए इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पर कि आपको कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, उस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए ना, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट फंड जो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, मिड कैप कैटेगरी का दूसरा फंड। आप कुछ एक फंड या दो फंड सेलेक्ट कीजिए, ज़्यादा फंड लेने का ज़रूरत नहीं, पूरा मार्केट खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं म्यूचुअल फंड में। यहाँ पर भी देखेंगे 3 साल और 5 साल में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न निकाल करके दिया है। 15% जो हम लोग आशा रखते हैं वहाँ से बहुत ही बेहतरीन 20 से 25% से ज़्यादा का रिटर्न निकल रहा है। इस तरह को फंड को सेलेक्ट कीजिए, पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, आपका रिटर्न, आपका पोर्टफोलियो जो है एकदम हरा भरा रहेगा और साथ ही साथ आपका रिटर्न बढ़ते ही रहेगा। अगला मिड कैप कैटेगरी का ही अगला फंड जो लिया गया है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि बहुत ही बेहतरीन फंड है। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि भाई मैं म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदूँ, लोग बैंक की तरफ देखते हैं, SBI केनरा बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, यहाँ पर देखते हैं तो जाते हैं कि थोड़ा भरोसा लगता है कि कुछ तो मिलेगा, नहीं तो म्यूचुअल फंड तो कुछ देता भी नहीं, आपको एक कागज़ तक नहीं भेजेगा। तो लोगों को लगता है भाई ठीक है बैंक से खरीद लेते हैं, अच्छी बात है, अगर उनको समझ में आ रही है कि बैंक मेरे लिए अच्छा कर सकता है तो उनको जाना चाहिए, ज़रूर जाइए वहाँ पर बैंक से खरीदिए। तो देखिए HDFC मिड कैप का जो मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है वह देखिए कितना शानदार प्रदर्शन पिछले कई सालों से करता आ रहा है। 3 साल में लगभग 30% का रिटर्न और 5 से 10 साल लोग 25 से 28% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके दिए। इन्वेस्ट कीजिए, ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए इस तरह के फंड में, पैसा बनेगा आपको, म्यूचुअल फंड में ही पैसा बनेगा और कहीं नहीं बनेगा आपको। अगर आप स्टॉक्स मार्केट से अनभिज्ञ हैं तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा करके छोड़िए, आपका यहाँ पर पैसा निश्चित रूप से बनेगा। अगला
कैटेगरी आता है फ्लैक्सी कैप। फ्लैक्सी कैप बहुत ही बेहतरीन चल रहा है आज के डेट में अगर देखा जाए तो। फ्लैक्सी कैप में क्या होता है ना कि फंड मैनेजर जो है खुद ही डिसाइड करता है कि हमको किधर पैसा लगाना है मार्केट में, मार्केट के चाल को देखते हुए वह डिसाइड करता है लार्ज कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है, स्मॉल कैप में लगाना है, उनकी मर्जी। सेबी के द्वारा छूट दी गई है, आप कहीं भी लगा सकते हैं पैसा। इस कैटेगरी में दो फंड सेलेक्ट किया गया, पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप, HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड। पराग पारिक में आज के डेट में देखा जाए तो ऑन एन एवरेज इसका जो मार्केट कैप जो लगभग लगभग 70,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है, और इसमें लगातार इनफ्लो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि इसमें जो है विश्वास बना हुआ है, लोगों का विश्वास बना हुआ है, इसीलिए इस तरह के फंड में ज़्यादा इनफ्लो आता है। तो आइए इन दोनों फंड का हम लोग देखेंगे कि भाई किस तरह से इसमें जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, रिटर्न निकाल करके दिया है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पहला है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड, इसको हम लोग देखेंगे। पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड देखिए कितना ही बेहतरीन रिटर्न बनाया है, एकदम लगातार थोड़ा थोड़ा रिटर्न निकाल करके दिया, अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। 15% से आपको ज़्यादा रिटर्न है साल दर साल देखने को नहीं मिलेगा। 2022 में कुछ रेगुलेटरी इशू हुआ था इसके कारण इसको रिटर्न नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, अन्यथा सभी साल में देखिए बेहतरीन रिटर्न निकाल कर। 15% जो हम लोग आशा रखते हैं वहाँ से ज़्यादा 20 से 25% का रिटर्न देखिए, 10 साल 7 साल में 25%, 5 साल के एवरेज देखें वहाँ भी 25%, पिछले 3 साल में थोड़ा कम रिटर्न लेकिन आपको ऑन एवरेज 20% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर निकाल करके दे। उसके बाद आता है इसी में देखेंगे हम लोग HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड, जो कि यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न निकाल करके दिया है। HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड भी हम लोग देखेंगे। देखिए HDFC फ्लैक्सी कैप फंड इसका भी प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, पिछले अगर 3 सालों की बात की जाए तो वहाँ पर लगभग लगभग 25 से 28% का रिटर्न, 27% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 सालों में लगभग लगभग 20% से ऊपर का ही रिटर्न आपको मिल रहा है, कम नहीं है। अगर जो इन्वेस्टर ज़्यादा एडवेंचर करते हैं वहाँ पर रिटर्न उनको कम देखने को मिलता है, तो उनको भी इस तरह के फंड लेना चाहिए। यहाँ पर आपको सही फंड के साथ साथ सही अगर फंड सेलेक्ट करते हैं तो आपका रिटर्न जो है बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा बनी रहती है। अगर आप 15-20% कंपाउंडिंग करते हैं ना हर साल, बेटर रिटर्न आपको निकल कर जाएगा। अगला कैटेगरी है टैक्स प्लानिंग। जो लोग मिडिल क्लास हैं, टैक्स पे करते हैं, नौकरी पेशा है, बिजनेसमैन है, उनके लिए टैक्स प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अज्ञानतावश क्या करते हैं, वो लोग PPF में इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि PPF ख़राब है, इसका लॉकिंग पीरियड 15 साल का है, लेकिन इसमें जो रिटर्न बनता है मात्र 7.1%, गवर्नमेंट लिखा गारंटेड रिटर्न 7.1% मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है, यहाँ पर भी लॉकिंग लगभग 10 से 15 साल का होता है, यहाँ पर भी लगभग 7.6% का रिटर्न मिल रहा है। और जो बहुत सारे PLI स्कीम है, इंडोमेंट प्लान है, वहाँ पर भी आपको लगभग लगभग 5 से 6% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा टैक्स सेविंग प्लान के साथ साथ। लॉकिंग 5 से 10 साल से ऊपर ही रहता है, लेकिन जब आप टैक्स प्लानिंग के इन्वेस्ट करते हैं, टैक्स प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड का टैक्स सेवर प्लान लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे अच्छा बात यह है कि इसका लॉकिंग पीरियड जो होता है मात्र 3 साल का होता है। 3 साल के लॉकिंग के बाद आपका पैसा अनलॉक हो जाएगा, आप यूज कर सकते हैं ज़रूरत है तो। रिटर्न 15% से ज़्यादा आपको देखने को हमेशा मिलेगा, तो कहाँ 7% कहाँ 15%, लगभग दुगना रिटर्न, और साथ ही साथ आपका जो है लॉकिंग भी कम हो रहा है, यहाँ मात्र 3 साल की लॉकिंग हो रहा है। आइए इसका प्रदर्शन देखते हैं कुछ सालों में। तो सबसे पहला जो फंड लिया गया है टैक्स प्लानिंग में, सबसे पहला फंड है पराग पारिक टैक्स सेवर प्लान, इसका रिटर्न हम लोग देखेंगे। जस्ट लोड होने दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न निकाल करके दिया है, अभी तक पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया जब से लॉन्च हुआ है तब से। 2019 में 4.65% ऑन एन एवरेज देखिए अच्छा रिटर्न निकाल करके आपको लगभग 21% का रिटर्न 3 सालों में निकाल करके दे रहा है। ऑन एवरेज 4-5 सालों की बात की जाए तो वहाँ पर आपको 20% का रिटर्न निकल करके आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है अगर इस तरह के फंड अगर आप लेते हैं तब।
इन्वेस्ट कीजिए, टैक्स बचेगा, टैक्स बचने के साथ साथ आपका रिटर्न भी बढ़ते जाएगा इस तरह के फंड में। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप एक स्टेबल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको चांस रहता है कि रिटर्न यहाँ पर ज़्यादा बढ़े। उसके बाद दूसरा टैक्स सेवर प्लान था, मेरे एसेट टैक्स सेवर प्लान, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका रिटर्न देखेंगे कि जो है पिछले कई सालों से किस तरह से रिटर्न निकाल करके दिया है। यहाँ पर भी देखिए, पिछले 3 सालों में थोड़ा खराब प्रदर्शन रहा है, फिर भी खराब प्रदर्शन होने के बावजूद भी 18% का रिटर्न निकाल करके दिया है। 15% जो हम लोग आशा रखते हैं ना, उससे ज़्यादा ही निकाल कर दिया है। 5 साल और 7 साल में 20% का रिटर्न बेहतर है कि नहीं, आप खुद आकलन कीजिए। कहाँ आप 3, 5 से 7% में पड़े हुए हैं भाई। लोगों को लगता है कि इसमें रिस्क है, रिस्क कुछ भी नहीं है। रिस्क तो आप वहाँ ले रहे हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं करना ही सबसे बड़ा रिस्क है। हाँ, इन सभी जो अभी स्कीम की चर्चा किए हम लोग, जैसे PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, यहाँ पर आपके पैसे तो सेफ है, लेकिन महंगाई को मात नहीं दे पा रहे हैं आप। इस बारे में सोचिएगा जरूर। टैक्स भी बचाइए, पैसे भी बढ़ाइए, दोनों के लिए सही रहेगा। सबसे प्यारा कैटेगरी स्मॉल कैप कैटेगरी, सबसे ज़्यादा वेल्थ यहीं पर बनता है। आने वाले समय में देखिएगा, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको 2-3 सालों में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेगा इस तरह के फंड में। लेकिन आप जैसे ही 5-7 साल से ज़्यादा क्रॉस करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो आपका जो है पैसे का पेड़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है इस तरह के फंड में। इस कैटेगरी में बहुत सारे फंड हैं जो कि बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 फंड लिया गया है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, केनरा रोबैको का स्मॉल कैप फंड, टाटा का स्मॉल कैप फंड, और लोगों का चेहता जो अभी बना हुआ है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। सिर्फ मैं क्वांट का स्मॉल कैप फंड इसलिए बता रहा हूँ आपको, अगर आप रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं, साथ ही साथ मार्केट के उतार चढ़ाव को आप सहन कर सकते हैं, तभी आप क्वांट के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। अन्यथा अगर आपको मार्केट से थोड़ा डर लगता है, तो आप निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, केनरा और टाटा का स्मॉल कैप देख सकते हैं आप। रिटर्न की बात की जाए तो देखिए रिटर्न किस तरह से निकल करके आ रहा है। कुछ फंड की हम लोग जैसे बात करेंगे, पहला फंड जो है यहाँ पर लिया गया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसकी बात करेंगे, यह बहुत ही पुराना फंड है, साथ ही साथ इसका जो है रिटर्न बहुत ही दमदार निकल के आता है। देखिए बहुत ही सुपर रिटर्न देखने को मिलेगा आपको। अगर आप इन्वेस्टेड हैं इसमें 10 सालों से ज़्यादा, 35% का रिटर्न निकल करके दिख रहा है साल दर साल। हाँ, हालांकि इसमें उतार चढ़ाव भी होते रहते हैं, मैं बोला आपको कुछ साल में आपको नेगेटिव रिटर्न का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम बढ़ता है, जैसे आप SIP के जरिए इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपका पॉजिटिव रिटर्न होने के चांस 100% बने रहते हैं, जब 5-7 साल से ज़्यादा का आप समय देते हैं इस तरह के फंड में। तो यहाँ पर भी देखिए लगभग लगभग 30% से ज़्यादा का रिटर्न निकल करके आ रहा है। आशा रखिए 30% बहुत हो गया, उतना आशा रखने की हमको ज़रूरत नहीं है। 15% से ज़्यादा अगर कंपाउंड करके चलते हैं तो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है इस तरह का फंड। दूसरा फंड लिया गया है इसी कैटेगरी में, केनरा रोबैको का स्मॉल कैप फंड, इसके बारे में देखेंगे। केनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड, केनरा रोबैको स्मॉल कैप, यह फंड जब से लॉन्च हुआ है, अभी लॉन्च हुए मुश्किल से 5 साल हुए हैं इसको, ज़्यादा समय नहीं हुआ, आप देखेंगे कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। सभी साल पॉजिटिव रिटर्न आपको निकाल करके दिया है। यहाँ पर थोड़ा फ्लैट रिटर्न है लेकिन पॉजिटिव है। यहाँ पर 5 साल की बात की, लगभग 32% का रिटर्न। पिछले 3 साल में थोड़ा प्रदर्शन खराब हुआ लेकिन फिर भी 26% का रिटर्न आपको निकाल करके दिया है। इस तरह का फंड जब लॉन्च होते हैं ना, अगर आप शुरुआत में पकड़ते हैं, अगर आपको समझ में आती है, तो आगे चल करके इस तरह के फंड में आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला फंड जो लिया गया है टाटा का स्मॉल कैप फंड, यह भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। इसका भी लॉन्च हुए लगभग लगभग 5 साल हुआ है और यह फंड ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी तक देखिए इस फंड में 3 साल में 27% फंड, 27%, 5 साल और 7 साल के टाइम फ्रेम में लगभग लगभग 31% का रिटर्न निकाल करके दिया, बहुत ही बेहतरीन है।
और सबसे लास्ट में जो फंड लिया गया है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, इसका तो रिटर्न लाजवाब है, लेकिन अगर आप मार्केट के जानकार हैं, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं तभी इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, नए इन्वेस्टर जो है, खास करके नए इन्वेस्टर हैं, वह इस फंड से दूर रहें, क्योंकि अगर आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा इस तरह के फंड में तो फिर आप वहाँ से मार्केट छोड़ करके आप भाग जाएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि फ्लैक्सी कैप फंड से शुरुआत कीजिए, बेसिकली मिड कैप फंड से शुरुआत कीजिए, स्मॉल कैप लेना है तो निप्पॉन इंडिया से शुरुआत कीजिए, पहले अपना पैर जमा लीजिए मार्केट में, फिर आप इन्वेस्टेड रहिए। तो ठीक है, आज जो है इस तरह का फंड की जो हम लोग बात किए हैं, यह फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में रहता है तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए, लमसम के जरिए शुरू कर सकते हैं। जिन फंड में आज डिस्कस किया गया उसमें किसी में SIP चालू है, किसी में बंद है, आप खुद चेक करके उसमें देख सकते हैं। तो ठीक है, म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए और अपने वेल्थ को बढ़ाइए। आज की वीडियो को लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।